मन्नादा को श्रद्धांजलि देने के लिए फोन पर इंतजार में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बैठे हैं आनंद जी भाई, कल्याण जी भाई के आनंद जी भाई। चरण स्पर्श करता हूँ आपको, मैं बस आपका आशीर्वाद है। और आप जानते हैं कि परम आदरणीय मन्नादा नहीं रहे आज, आज नहीं है अपने साथ, अपने को छोड़ के चले। जी, छोड़ के चले गए। और दो मन्ना बाबू हम लोग मिलेंगे कि हुए उससे पहले से हम लोग जब 1954 में लागू के बाद हम शो करते थे चैरिटी शो जी, तो रतलाम, जयपुर, इंदौर हर जगह जाते थे, साथ में रहते थे जी, और प्रोग्राम में साथ में होते थे, जुड़े होते थे। तो उन दिनों में ट्रेन में जाते जाना होता था जी, ज्यादा जी, तो उससे क्या होता था कि रस्ते में बातें जैसे होते अपन जैसे बातें गप मारते हैं जी, ऐसे बहुत सारी बातें होती थी, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिकल साउंड गाने वाले कैसे हैं, फोक में क्या होता है, और सो वे वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब मिलकर बने हम जी, तो पहली पिक्चर में गाना उन्होंने गाया है, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद ये कश्मीर वादे, प्यार वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या जी जी जी, ये चला फिर यारी और ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, जो कहीं पे भी आज हर जगह वो गाने बजते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी बातें जो थी, अच्छे से पोएट्री मिली उनको, अच्छे गाने उन्होंने गाए, उनको देखा हमको भी अच्छे कंपोज करने का मन होता था जी। 7 साल इनके गाने के फंक्शन था वहाँ पे जी, कलकत्ता में जी, फर्स्ट में 2003 में नेताजी स्टेडियम में जी, तो बंगाल के लोगों ने उनको ऑनर किया था 60 ईयर्स ऑफ बना रहे जी। तो उन्होंने बोला कि बॉम्बे से किसको बुलाना है, तो बोले कि आई डोंट वांट एनीबॉडी, आई वांट आनंद जी देयर। अरे वाह, यूं करके मुझे बुला लिया वहाँ पे, वहाँ चला गया मैं। वहाँ जाने के बाद मेरे को बोलते देखो मजाक मत करना, अभी सीरियस मामला है, 60 ईयर्स दे आर ऑनरिंग मी। बोले भाई मेरे को काय को बुलाया आपने, बोलिए ना। तो जैसे मुझे स्टेज पे बुलाया तो मैंने वो लोगों को, मेरे को बोलते कुछ मस्ती नहीं करना, मस्ती नहीं करना, क्योंकि हम लोग स्टेज पे बहुत करते थे, तो मेरे को मजाक नहीं करना कुछ। तो मैं बोले दादा ऐसा है कि जब बुलाया तो कुछ तो बोलूंगा तो नहीं जी, और आदमी जिसकी जो चाल है वही चलेगा, और तो क्या चलेगा जी। तो लोगों से मैंने बोला कि हमारी हर वक्त गाया मैसेज के लिए, कभी उन्होंने गाना नहीं गाया। तो भाभी को ऊपर बोला लिया, वेलकम ऑन द स्टेज भाभी। तो भाभी भी स्टेज पे आ गए, और मैं बोला गाओ जोरा कभी, तुम्हें मालूम नहीं, बोले नो 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 नो, यू हैव टू सिंग। पब्लिक ने बोला यू हैव टू सिंग, यू हैव टू सिंग, चार एक अंतरा की गा दिया उन्होंने। तो देट वॉज फन, और इतने ईमानदारी के साथ कहते थे, रफी साहब की तारीफ करते थे, मुझसे भी कहते थे उसकी क्या आवाज है यार। ये नहीं था कि कोई दिखावा करने के लिए, नहीं था, नहीं नहीं कोई दिखावा नहीं था अपनी सी। मैं आपको बताना चाहूँ आनंद जी भाई के अपनी फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर मोस्ट मन्नादा थे, फर्स्ट में 1919 को पैदा हुए थे। हाँ, रामराज से शुरू अभी तक के जी, 1929 में ही से 10 साल 11 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। दादा सबसे पुराने, दादा सबसे पुराने म्यूजिक में देख रहा है, स्टेज पे शूटिंग जहाँ होती वहाँ से गाना शुरू हुआ था जी। उसके बाद धीरे धीरे लाइव हुआ, स्टूडियो में गए, ये सब कुछ हुआ, इन्होंने सब कुछ देखा हुआ था, सब कुछ देखा, सब कुछ देखा दादा ने। और हमारी इंडस्ट्री के जो स्तंभ थे, जो ओरिजिनल जिनको कहते हैं, जिनके पास परमात्मा की सचमुच असीम कृपा थी, मशीनों की कृपा नहीं थी, जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा थी, बिल्कुल जी सही, बिल्कुल वो चले गए। तो कभी कभी एकदम वैक्यूम आ जाता है जी, ना इंदौर नहीं दिखते, ना अंजान जी दिखते, ना कल्याण जी दिखते, ना मुकेश जी दिखते, कभी कोई नहीं दिखता। तो ये लगता कि वो रामा तो चला गया, हम बैठे हुए बस। आप ये होता था, आप दीर्घायु हों और स्वस्थ रहे यही प्रार्थना है। आज आनंद जी भाई ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी, अपनी यादों के सहारे मन्नादा को याद किया। आनंद जी भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आनंद जी। नहीं नहीं थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, मेरे जो बड़ा सीखा नहीं थे लेकिन था दिल में, वो आपने कहने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7